तो जी फाइनली तैयार हो गए, निकल चुके हैं बैंकॉक के अंदर। दूसरा दिन है हमारा, जिसमें अभी हम पहले जा रहे हैं सफारी वर्ल्ड एंड मेरी पार्क। उसमें अपना एनिमल शोज वगैरह होते हैं, एक्टिविटीज़ होती है, क्योंकि हमने पतियाला में नहीं किया था तो यहाँ पे करेंगे। एंड उसके बाद हमारा है डिनर एट प्रिंसेस चाव फ्राया, जो क्रूजेज होते हैं उसमें हम करेंगे अपना डिनर। एंड तो करीबन 4-5 घंटे की ये एक्टिविटी रहेगी सफारी वर्ल्ड वाली। उसके बाद थोड़ा सा बीच में टाइम मिलेगा एंड देन जाएंगे अपना चाव फ्राया क्रूज के लिए। तो क्रूज थोड़ा सा एक्साइटिंग रहेगा, उसमें सारे मेन मेन मॉन्यूमेंट्स के आगे से लिखे जाते हैं, दिखाते हैं क्या कैसे हैं क्या है थोड़ा सा, और उसमें लाइव म्यूजिक और परफॉर्मेंसेस वगैरह भी रहती हैं। एंड ये है मेरा न्यू लुक, ये जो मैं आपकी बार ट्राई कर रहा हूँ, राइट। सो कल ये मैंने उस मार्केट से, इंदिरा बाजार के पास से, इस मार्केट से अपने 50-50 बात किए थे, वो लिए थे, क्या नाम है, तो भैया तो अभी पहले बुक करते हैं बोल्ट। तो ये है सफारी वर्ल्ड, कैब से हम आए थे एंड अब लेते हैं टिकट। जो सफारी वर्ल्ड और मैरीन की टिकट है, मैंने तो क्लुक के थ्रू बुक की थी तो मुझे काफ़ी अच्छी एक डील मिल गई है। बाकी अगर आप आ रहे हो सो ये चार्जेस हैं, 1300 baht अडल्ट सफारी वर्ल्ड, 1300 baht मरीन पार्क, कॉम्बो लेते हो तो 1500 baht। भीड़ काफ़ी अच्छी है। तो अगर आपने परचेज कर रहे हैं टिकट तो आप यहाँ पे 6 नंबर काउंटर तक कर सकते हैं। एंड अगर आपने क्लू के थ्रू में या ऑनलाइन बुक की है तो आप आगे जाके यहाँ पे 10-15 नंबर जो काउंटर्स हैं वहाँ से अपनी ऑनलाइन टिकट, ऑनलाइन वाउचर को टिकट में कन्वर्ट करा सकते हैं। सो ऐसा ये लोगों ने हमारे को सफारी का पास दिया है, मैरीन पार्क का है, ये स्टिकर्स दिए हैं लगाने को, और ये है शो टाइमिंग। तो अलग अलग टाइम पे ये सारी चीज़ें हैं। सीधा आगे ये वाली बस है जो हमारे को लेके जाएगी सफारी। बेसिकली इनकी एक कोच सर्विस थी, गर्मी इतनी है तो इट्स बेटर कि आप लोग कोच को ऑप्ट कर लो, क्योंकि आराम से बंदा बैठ सकता है। आधे घंटे का है, 100 baht पर पर्सन इन्होंने चार्ज किया है। एंड सही है, देखते हैं कैसा है। तो जी अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सफारी पार्क से, हमने ली है कोच, इसके अंदर 1/2 hour 45 minutes के लिए लेके जाएंगे अंदर पूरा घुमा के सारा। एंड इसमें अलग अलग एनिमल्स हैं, ये सारे एनिमल्स हैं कुछ यहाँ पे, एंड तो ये लेके चलेंगे अंदर की तरफ। इस वाली एक्टिविटी के बाद अपन चलेंगे मरीन पार्क। ये है एंट्री, तो यहाँ पे हैं काफ़ी सारे शेर, शेर है ये, इधर भी अगर आप देखोगे यहाँ पे भी काफ़ी सारे शेर बैठे हुए हैं। और ये पीछे जो गाड़ी थी, मेरे ख्याल से ये बंदा ये देखने के लिए है कि शेर आगे की साइड में रहें पीछे ना जाएं। अब आ गए हैं टाइगर्स एक्चुअली। सो टाइगर हैं, ओ वाओ, इतने टाइगर मैंने अपनी लाइफ में कभी भी एक बारी में पहले कभी नहीं देखे हैं। मतलब हम रणथंभौर वगैरह भी गए, वहाँ पर तो एक एक नहीं दिखता था, यहाँ पर पहली बार ऐसे सामने देखने को मिलते हैं। पूरी की पूरी फैमिली है टाइगर्स की, वो पीछे एक टाइगर नहा भी रहा है पानी में गर्मी की वजह से। सो काफ़ी सही, मैं पहली बार देख रहा हूँ लाइफ में। अगर आपने पहले कभी टाइगर देखे इतने पास से इतने सारे, प्लीज़ डू कमेंट। ये टाइगर्स का पेयर है आई गेस, क्योंकि ये आगे वाली
मेरे को टाइग्रेस लग रही है क्योंकि इसका पेट ऐसे टमी लटक रहा है, मेरे को लग रहा है ये फीमेल है। सो हाँ, बट मैंने कभी भी इतने सारे टाइगर एक साथ कभी नहीं देखे लाइफ में। ये है हिप्पोपोटामस। ओके, इन्होंने सो हिप्पोपोटामस यूजुअली ऐसे ही पानी में रहते हैं क्योंकि इनको गर्मी बहुत लगती है। अगेन पहला इनकाउंटर है मेरा हिप्पोपोटामस के साथ, पहली बार मैं देख रहा हूँ इनको। वाओ, कभी भी मैंने पहले नहीं देखा। आई गेस दो हैं वहाँ पे, दो नहीं तीन है। तो ये है जी मैरीन पार्क की एंट्री। बेचने के लिए इन्होंने अपना कुछ भी, आप लोगों को अपना पानी वगैरह आप लेके आ रहे हो तो अलाउ नहीं करेंगे, यहीं पर रखवा ले रहे हैं। एंड ये है मरीन पार्क। सो चलते हैं टिकट वगैरह चेक करा के अंदर। सो यस, तो यहाँ पे अलग अलग शोज होते हैं अलग अलग टाइम पे, तो अच्छा बना रखा है, मतलब एक बार विजिट कर सकते हैं जैसे हम लोग भी अब बाकी जगह जाते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर आपको शेरों के साथ खेलना चाहते हैं, चार्जिंग 400 बाट, अलग अलग चीज़ें हैं, तो लगभग हर चीज़ बिक रही है यहाँ पे। बढ़िया है, अच्छा एक रेवेन्यू मेकिंग मॉडल बना रखा है। दो जानवरों को यूज़ करें, नॉट अ ग्रेट आइडिया बट ठीक है। बड़े अलग अलग टाइप के मकाउस यहाँ पे इन्होंने रखे हैं, मेरे ख्याल से ये टेम्ड होंगे तभी उड़ नहीं रहे हैं। वैसे भी मकाऊ उड़ते नहीं है, मकाऊ उसकी ये है कि आप अगर इनको घर पे रखना चाहते हो, टेम करके करते हो, फिर जाएंगे कहीं नहीं, एक ही जगह पर रहेंगे। तो आई गेस ये सारे टेम्ड होंगे। तो जी ये लाइन लगी पड़ी है डॉल्फिन शो के लिए, एंट्री के लिए बढ़िया वाली लाइन है। कोई लाइन मतलब भीड़ है, लाइन सिस्टम तो कोई है ही नहीं। सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सीन है, कोई सिटिंग का वो नहीं है। जैसे पतिया वगैरह में तो सिटिंग के एरिया के हिसाब से वो है आपका, यहाँ पे वर्ल्ड सफारी वर्ल्ड में डॉल्फिन शो के लिए पूरा पैक शो है। काफ़ी सारे लोग, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग कभी प्लान कर रहे हैं यहाँ पे आने का, तो इट्स बेटर कि ऑलवेज प्लान थोड़ा जब यहाँ पे ह्यूमिड ना हो। दूसरा ये है, जब भी आ रहे हो अपना इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, जैसे ये लोगों के पास ना यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फैंस हैं, जो छोटे छोटे फैन होते हैं आपको बाहर मिल जाएंगे कहीं पे भी, 100-150 बाट में वहीं से ले लो। अदरवाइज इवन ये जो हाथ से हिलाने वाले फ़ैन हैं, ये लोग यहाँ पे अंदर 100-100 बाट के बेच रहे हैं। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हो गर्मी में आ रहे हो, तो ब्रिंग ये पोर्टेबल फैंस, इलेक्ट्रिक वाले चार्जेबल होते हैं, 100-100 बाट के खरीदे और उसको लेके आए। मकाऊ के साथ फोटो की है 200, टाइगर के साथ 400, सॉफ्ट ओपनिंग 200, बर्ड्स कॉपरे और ओरैंगोटैन 300। तो सारे जानवरों के साथ आप यहाँ पे फोटोज खिंचवा सकते हो, अलग अलग जानवर के अलग अलग चार्जेस हैं। सो ये है आई गेस वो 200 वाली फोटोज। शायद स्टार्ट हो चुका है।
हम वहाँ पे डॉल्फिन के साथ फ़ोटो खिंचाने लग गए, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले एंड बाकी उसे लेट। ये शो ऊपर से है, मुझे लगा नीचे से होगा डॉल्फिन की तरह, बट ये ओके। तो जी हाँ, ऑन द वे टू आइकन सियाम मॉल, जहाँ से हम अपना बोर्ड करेंगे अपना क्रूज़। तो जी हमें आइकन सियाम यहाँ पे आए हैं अपना दो क्रूज़ होता है अपना दुबई में, तो यहाँ पे हम आए हैं प्रिंसेस क्रूज़ के लिए। सो भीड़ का भयंकर हाल, लाइक बुरा हाल है भीड़। 7 बजे का इन्होंने हमारे को रिपोर्टिंग टाइम रखा था, इस चक्कर में हम भागम दौड़ी करते करते पहुँचे, क्योंकि 6 बजे हम अपने होटल से निकले, 7 बजे, 1 घंटा लगा पूरा यहाँ तक आने में, 1 घंटा करीबन 250 बाद। एंड देन इसके बाद ये पूरा मॉल क्रॉस करके जो एक दूसरे एंड पे है, ये क्या नाम है, जहाँ पे आपको बेसिकली यहाँ पे पियर बने हुए हैं, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे पियर्स बने हुए हैं अलग अलग, इसके अंदर में आप यहाँ पे आते हो, अलग अलग काउंटर्स हैं क्रूज़ के, जैसे ये है आपका ए मरीना, अलंगा क्रूज़ अभी लगा हुआ है हमारा, चाव फ्राया आने वाला है, एंड जैसे चाव फ्राया के टिकट के लिए यहाँ पे आप जाओगे, आपको टिकट मिल जाएगी, टेबल नंबर अलॉट कर देंगे, देन आप ऐसे यहाँ पे लाइन में लगते हो, लाइन में लगने के बाद में आप जाओगे अपने टेबल पे बैठो, एंजॉय करो। तो क्रूज़ बड़े क्लासी हैं, लेकिन है थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट दुबई की तरह से ही, बट है क्लासी क्रूज। हमारा था लोअर डेक, बट लोअर डेक के मैंने रिव्यूज़ पढ़े थे कि उसमें पानी वगैरह जो होता है उस वजह से विंडोज़ वगैरह गंदी हो जाती हैं, दिखता कुछ नहीं है, तो इस वजह से मैंने लिया है अब उसको अपग्रेड करा के अपर डेक ले लिया है, एंड दैट्स उसमें पहले हमारा था इंडियन डिनर, अब हमने लिया है इंटरनेशनल। तो यार चलते हैं, आओ दिखाते हैं आपको कैसा है इसके अंदर का एक्सपीरियंस सारी चीज़ें, बट अभी तो बहुत भयंकर भीड़ है, वेट कर रहे हैं अभी। ये है लोअर डेक, इसमें इंडियंस वगैरह, इंडियन फूड यहाँ पे रहता है सारा, एंड सारे इंडियंस यहाँ पे हैं, जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ के और ऊपर के डेक में ही काफ़ी फर्क अभी दिखेगा। यस, वो सारा हो गया अपना बुफे एरिया, एंड ये है अपना इंटरनेशनल डेक जहाँ पे इंटरनेशनल बुफे अवेलेबल है। सो यस, अगर आप यहाँ के और वहाँ के क्राउड में, मेन तो क्राउड हो गया, उसके बाद यहाँ पे बेसिकली सारे के सारे जो भी आता है यहाँ पे हर कोई इंटरनेशनल बुफे का तो करते हैं, दिस इज लुकिंग मोर क्लासी एक्चुअली। तो आप देखते हैं कि वेन्यू में क्या क्या है यहाँ पे, एक और यहाँ पे इन्होंने बोर्ड लगा रखी है, तो 2 बोर्ड में एक साथ में ये चेक इन करवाते हैं। ये है यहाँ पे फूड, चेक करते हैं कि हमारे काम का कितना है, क्योंकि मैं भी बस चिकन ही खाता हूँ। तो ये चिकन, पपाया सैलेड, प्रॉन्स, किमची, स्टीम राइस, फ्राइड एग्स, मशरूम क्रीम, मशरूम फ्राइड, चिली साबा, तो नाइस यार। तो इसमें ज़्यादा पोक की क्वांटिटी नहीं है, विच इज़ गुड, क्योंकि अगर पोक होता है या बीफ होता है तो मैं ज़्यादा कुछ खाता नहीं। एंड यहाँ पे भी है कुछ चीज़ें, यहाँ पे है आई गेस सुशी, वाओ, सो दे है सुशी एज वेल, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। सो बहुत दिन से मैं कोई ढंग की जगह देख रहा था सुशी खाने के लिए, कुछ मिल नहीं रहा था, सो ये हो गया सुशी। ये सारी चीज़ें होगी, डेजर्ट अगेन, फिश, चिकन बेक स्पैनिच, पैने, फ्राइड राइस विद एग्स। सो इंटरेस्टिंगली बहुत ही अनएक्सपेक्टेड बुफे है, मुझे लगा नहीं था। Yeah.
देखी होगी आप लोगों ने, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी अच्छा क्राउड था एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन। अभी हम पहुँचे हैं, हमारा लैंडिंग टाइम हो चुका है, सो यहाँ पे हम पहुँचे हैं, एवरीबॉडी इज वेटिंग एंड इसके बाद हम उतरेंगे सियाम का मॉल, घूमते हैं, देखते हैं क्या है उसमें। लेट्स गो। ये है जी बैंकॉक की नाइट लाइफ, यहाँ के मसाज पार्लर्स, ऑब्वियसली 7-Eleven। तो ये है यहाँ का सोंकरन फेस्टिवल जो कल से चालू होना है ऑफिशियली, बट लोगों ने रात में आज से ही चालू कर दिया। रोडों के ऊपर पानी फेंक रहे हैं, पिचकारियों से मार रहे हैं, पाइप लगा रखे हैं लिटरली। यहाँ पे भी कुछ वही हाल। तो जी आज की वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब।